तो है गाइस, मैं और सूरज, अब सभी को डार्क शूटर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक के लिए लेके हम लोग आगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो फटाक से लाइक कीजिए। तो पहले हम लोग बात करना चाहते हैं रैंक सीजन के लिए। तो देख सकते हो आप इधर, रैंक सीजन एंड, मतलब आप रैंक नहीं खेल सकते हो। तो ये मतलब क्या है, मतलब जिसको नहीं पता है, तो पहला जो रैंक सीजन था, पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रैंक सीजन 2 महीने के लिए आता है, 2 महीने के बाद हर सीजन में चेंज होता है। तो इस बार भी आज 2 तारीख, मतलब आज ही लास्ट डेट था रैंक सीजन का। देखो इधर दिखाई नहीं, इधर तो नहीं दिखा रहा है, तो इधर देख सकते हो, इधर अगर घुसोगे तो देखोगे रैंक सीजन है एंडेड। तो मतलब और एक नया सीजन आएगा। तो अब वो कब आएगा, वो आप लोग तो रैंक नहीं खेल पाओगे, आप लोग क्लासिक खेल पाओगे। तो जो मतलब डायनोवान हीरोइक पे जो थे, सब आज डाउन होकर नीचे चले आओगे गोल्ड 4 या गोल्ड 3 या गोल्ड 1 या गोल्ड 2, ऐसे ही करके आ जाओगे। तो हम लोग रैंक सीजन का टाइम है दो बजे हम लोग का रैंक सीजन आ जाएगा, 2 या 2:30 बजे ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ आप लोग गेम खेलना चालू कर देना। अगर किसी को ग्लोबल पुश करना है तो आज से तैयारी कर लो, क्योंकि मतलब अगर मतलब 1-2 दिन ही अगर जा पाओगे तो मतलब इजी रहेगा आप लोग के लिए। तो अभी आप लोग पुश अप कर सकते हो आज के लिए 2 दिन। तो बस यही टॉपिक के लिए हम लोग बात करना चाहते थे, कब आएगा रैंक सीजन। तो सब लोग मतलब कंफ्यूज हो रैंक सीजन कब चला गया, तो आप लोग टेंशन मत लो, और दो या ढाई बजे आ जाएगा। तो आप लोग अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फटाक से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और दनादन खेलते रहिए, खेलते रहो, पूरा मस्ती करते रहो। बस बाय बाय गाइस।